आगरा के डीडीए नरेंद्र पटेल ने खेरागढ़ पहुंचकर मंडी समिति में आकस्मिक निरीक्षण किया। डीडीए के अचानक दौरे से मंडी समिति में अतिथि और मंडी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सफाई व्यवस्था पर अपना असंतोष प्रकट करते हुए डीडीए नरेंद्र पटेल ने सफाई ठेकेदारों को नोटिस की कार्रवाई की चेतावनी दी है। आगरा डीडीए नरेंद्र पटेल अचानक खेरागढ़ की मंडी समिति में पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बारीकी के साथ जायजा लिया। इस दौरान मंडी समिति परिसर में गंदगी को देखकर उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने मंडी समिति के सफाई ठेकेदारों को कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान जो दुकानें जर्जर पाई गयी उन दुकानों को जल्द मरम्मत कराने का भी आश्वासन दिया। वहीं डीडीए नरेंद्र पटेल ने सरसों की खरीद फरोख्त में धांधली करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी तो किसानों को सहूलियत प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि किसान सरसों बेचने से पहले प्रति बोरी सैंपल का भुगतान नहीं करेंगे। कई दुकानों का भी निरीक्षण किया। मंडी का निरीक्षण आज किया गया है, वो इलेक्शन के बाद या काफी दिनों बाद ये मंडी खुली है और यहाँ एक रूटीन इंस्पेक्शन जैसा होता है वैसे हमने किया है। काफी यहाँ पर किसानों की भी कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ व्यापारियों की भी मरम्मत से संबंधित बातें आई हैं, कुछ लैब की टेस्टिंग को लेके कुछ सरसों के को निकाले जाने के संबंधित भी प्रकरण आया है सामने। तो हमने मंडी सचिव को ये बोल दिया है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक एक ऑर्डर जारी कर दें कि आफ्टर तौल अगर किसी भी लैब का परीक्षण कराना हो तो तौल के बाद वो हर बोरी से जो भी मात्रा निकालनी हो वो निकाल के उसका परीक्षण कराएं और परीक्षण कराने के बाद आगे कार्रवाई करें। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।